नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 21 में और मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आपकी खास खबरों की ओर। थाना चलगली जिला बलरामपुर, अपहृत बालिका से शादी का झांसा देकर बलात्कार करने वाले आरोपी के विरुद्ध चलगली पुलिस की तगड़ी कार्रवाई। आरोपी के द्वारा अपहृत बालिका को बहला फुसला कर अपहरण कर ले गया था मध्य प्रदेश। आरोपी को भेजा गया न्यायिक रिमांड पर। गिरफ्तार आरोपी कमल सिंह लोधी पिता श्री सुल्तान सिंह, उम्र 36 साल, सलाइया चौबीसा थाना नोहटा, जिला दमोह मध्य प्रदेश। इस प्रकार है विवरण, कुछ इस प्रकार है कि पीड़िता के नाना ने थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग नातिन को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर भगा कर ले गया है। रिपोर्ट पर थाना चलगली में अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय बलरामपुर के द्वारा अपहृत बालिका की शीघ्र तलाश कर बरामद करने एवं आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी ब्रिजलाल भारद्वाज के नेतृत्व में टीम गठित कर प्रकरण के अपहर्ता एवं आरोपी का तलाश शुरू की गई। आरोपी कमल सिंह लोधी के द्वारा अपहर्ता को शादी करने का प्रलोभन देकर बहला फुसला कर अपने साथ मध्य प्रदेश दमोह ले गया। थाने से टीम भेजकर नाबालिग की तलाश कर थाना चलगली बलरामपुर लाया गया। आरोपी द्वारा अपहर्ता को शादी करने का प्रलोभन देकर बहला फुसला कर भगा कर अपने साथ ले जाकर शारीरिक शोषण करना पाए जाने से एवं पीड़िता को भगाने में आरोपी का सहयोग करने के प्रकरण में धारा 366, 376, 34 भादवी एवं पॉक्सो की धारा 4-6 जोड़ी गई। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक ब्रिजलाल भारद्वाज, सहायक उप निरीक्षक संतोष कोयरी, आरक्षक संजय जायसवाल, राजकुमार का विशेष योगदान रहा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 21।